हे दोस्तों, मैं दुर्गेश स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं लुइस फिलिपी का जो शर्ट होता है ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या अंतर है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक बार जो डुप्लीकेट शर्ट है, जो लुइस फिलिपी का कॉपी है, उसको आप एक बार देख लें, एक बार आप ओरिजिनल शर्ट को देख लें। दोस्तों, इसे देखने से तो कोई नहीं पकड़ पाएगा कि ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट है, लेकिन जो बंदा शुरू से अगर पहनते आ रहा है वो पकड़ लेगा एक बार में ही। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम डुप्लीकेट का जो है, आप ये कॉलर के नीचे कोई भी शर्ट को देखेंगे जो ओरिजिनल होगा उसका ब्रांडिंग यहाँ पे शो करेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई थर्ड पार्टी का ब्रांडिंग शो कर रहा है जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो आप ओरिजिनल में देखेंगे। तो आप ये ओरिजिनल में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है लुइस फिलिपी जीन्स जो कि, और यहाँ पे जो इसका साइज है यहाँ देख सकते हैं, एक नीचे में एक अलग सा एक लेयर लगा हुआ कपड़ा का, उसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये है। उसके बाद दोस्तों, आप इसके बटन में देख सकते हैं, जो इसका जितना भी बटन है देख सकते हैं, इसका हर एक बटन में जो है लिखा रहेगा लुइस फिलिप LP जीन्स इसका ओरिजिनल में। और इसके जो बटन के नीचे में जो है, जितना भी बटन है, तो अपने नीचे हम देखेंगे तो इसका तीन बटन मिलेगा जो कि एक स्मॉल है, एक मीडियम है और एक लार्ज है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे LP जीन्स का ब्रांडिंग मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह है ओरिजिनल का पहचान। और इसके साइड में दोस्तों एक है LP का ब्रांडिंग मिलेगा जो कि दोस्तों हम फिटिंग करा लिए हैं तो यहाँ से हट चुका है, लेकिन वही चीज़ आप डुप्लीकेट में देखेंगे तो दोस्तों ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप देखेंगे तो इसमें कोई बटन में LP जीन्स का ब्रांडिंग नहीं मिलेगा, ना ही नीचे में कोई इसका लोगो है, और साइड में भी कुछ। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहीं पे एक साइड में एक ब्रांडिंग जो बताए थे इसमें नहीं है। तो यही एक छोटा सा आज वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।